अभी यहाँ पर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इफ द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ QS कॉपर सल्फाइड इज 6 × 10⁻⁶ कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो आपके 11th का इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट देखता है अब कंफ्यूज कर जाता है कि अब ये है क्या, क्योंकि हम लोग तो मोलरिटी मोलरिटी पढ़े हैं। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्लास 11th में था, थोड़ा सा उस वाले पार्ट पे जाते हैं उसके बाद में फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आते हैं। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में आपको बताया गया था, मान लीजिए कि ए और बी, ए बी कोई केमिकल सब्सटेंस है और ये आयोनाइज कर रहा है एज ए प्लस प्लस बी माइनस में। अब यहाँ पर इनका सॉलिबिलिटी, इसे आप इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, ग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं, एस है, तो इनका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस। इसका कंसंट्रेशन कितना है एस, इसका कंसंट्रेशन कितना है एस, ये वैल्यू कितना हो गया एस स्क्वायर। इसी तरह से वहाँ बताया गया था कि मान लिया कि दिया हुआ ए टू बी और ये आयनाइज कर रहा है एज टू ए प्लस प्लस बी टू माइनस, तो इसका वन मूल है तो इसके सॉलिडिटी को अगर एस ले रहे हैं, ये टू मूल है तो इसका सॉलिडिटी कितना हो जाएगा टू एस। अभी ये वैल्यू नहीं देखते हैं, अभी ऊपर वाला वैल्यू देखते हैं। अब यहाँ पर इसका सॉलिडिटी प्रोडक्ट निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस टू द पावर टू इंटू बी टू माइनस, ये सब एलेवेंथ वाला था। सर ये टू कहाँ से आ गया, आगे में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि नंबर ऑफ मोल होता है इक्वेशन में लिखते वक्त में वो पावर में चला जाता है, इसलिए इसके आगे भी ये पावर में चला आया। और अब वैल्यू पुट करते हैं, अब देखो यहाँ ए प्लस का वैल्यू कितना दिया हुआ है टू एस, तो यहाँ आ जाएगा टू एस का स्क्वायर और इसकी जगह पर एस, देखो तो ये कितना हो गया फोर एस स्क्वायर इन टू एस यानी वैल्यू फोर एस टू द पावर। दो पार्ट होता है, एक सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है, दूसरा क्या है सॉलिबिलिटी। तो अगर सॉलिबिलिटी दिया हुआ है तो सॉलिडी प्रोडक्ट पूछेगा और सॉलिडी प्रोडक्ट दिया हुआ है तो सॉलिबिलिटी पूछेगा, वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। ये सब इलेवेंथ में था, अभी जगह पर सी यू एस दिया हुआ है, सी यू एस ये आयोनाइज करता है एज सी यू टू प्लस प्लस एस टू माइनस, बताओ तो इसका कितना मूल है वन, तो क्या लिखेंगे सॉलिबिलिटी एस, इसका भी सॉलिबिलिटी एस। अब जब इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी यू टू प्लस इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, सी यू टू प्लस की जगह पर एस, इनकी जगह पर एस, यानी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया एस स्क्वायर। तो बताओ तो एस वुड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं रूट अंडर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में इफ द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड इज 6 × 10⁻⁶ ये दिया हुआ है, तो देखो तो यहाँ पर एस वुड बी इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 6 × 10⁻⁶ लिखा जा सकता है, यानी रूट 6 × 10⁻⁸। अब 6 का रूट निकाल लेंगे, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, रूट निकालना है रूट 6 है कहीं रूट, रूट नहीं है इसमें, है रूट 6, वैल्यू कितना हो गया 2.449, इसको हम लोग 2.45 कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ करके यहाँ पर ये वैल्यू दिया 2.45 × 10⁻⁸ मोलर, या इसी को मोल पर लीटर भी लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन आसान है लेकिन ये अभी नहीं पढ़े 12th में, तो जो 11th का इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे उनके लिए आसान होगा, लेकिन अभी आपको बताया कि इस तरीके से आयोनाइज करके बनाया जाता है तो आपके लिए भी हम समझते हैं कि क्वेश्चन आसान हो गया, तो नोट कर लीजिए।